लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस अब तक हुई कार्रवाई का देगी कोर्ट में ब्यौरा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर रखने पर नहीं दिया था जोर। कोर्ट ने इस बात पर असंतोष जताया था। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी पुलिस को अब तक जो भी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है कोर्ट के सामने इस पूरी कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा। हफ्ते भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और असंतोष जताया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर असंतोष जताया था कि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर रखने पर जोर नहीं दिया, उन्हें आसानी से न्यायिक हिरासत में जाने दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज न होने के लिए भी एसआईटी को फटकारी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के त्रिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को दरअसल हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल ने शनिवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज अहम सुनवाई कोर्ट में होगी और आज यूपी पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने असंतोष जताया था। जो भी कार्रवाई हुई है आरोपियों को लेकर जो सख्ताई दिखानी चाहिए थी वो प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई गई, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। हालांकि आज प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, पूरा ब्यौरा। ओम पांडे लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम, आज लखीमपुर खीरी मामले में अहम सुनवाई होनी है, क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ये है कि इस तरह से लखीमपुर मामले पर घटना हुई थी 3 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। वहीं जहां इसकी सुनवाई लगातार जारी थी, आज जो है इसकी एक बार फिर सुनवाई होनी है। लगभग 11 बजे जो है वो सुनवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर के कल जो है जो SIT की रिपोर्ट है निगरानी समिति की, उन्होंने जो है शासन को रिपोर्ट सौंप दी है और जब आज 11 बजे सुनवाई होगी जो MP रमण के साथ जो 3 सदस्यीय जो न्यायाधीशों की समिति है कमेटी है वो इस मामले की पूरी सुनवाई कर रही है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं SIT के तो 26 लोगों के जो कलमबद्ध जो तरीके से बयान दर्ज कराए गए हैं, इसके साथ साथ लगभग 1-2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो SIT है उन्होंने एक नंबर जारी किया था जिसमें साफ तौर ये कहा गया था कि जो भी लोग जो ये वीडियोज हैं वो तमाम वीडियो हम लोगों से पुलिस से शेयर कर सकते हैं जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस जहां एक तरफ पूरे मामले पर लगातार छानबीन कर रही थी और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही थी जिसमें से मुख्य आरोपी के तौर पर जो आशीष मिश्र है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको उस पर भी कार्रवाई की गई। SIT ने उससे भी पूछताछ की। इस पूरे मामले पर जहां लगातार जो कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय पर जो है वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स और तमाम चीजें जो है वो सौंपी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन जिस तरह सरकार लगातार नाखुश था इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ऐसे किसान है जिनकी मौत हो गई, 4 अन्य लोगों की मौत हो गई, कुल 8 लोगों की मौत को लेकर लगातार जो है इस मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कोर्ट ने साफ तौर से इस बात को कहा था कि आखिर जो है ये घटना बहुत दुखद घटना है, इस पूरे मामले पर जो है पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और क्या क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर SIT बनाई गई थी, इस पूरे मामले की गहन छानबीन की जा रही थी। सरकार ने भी साफ संदेश देने का काम किया था कि जो भी दोषी होगा उसको कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी आर्थिक सहायता के साथ साथ जो भी चीजें उन किसानों के लिए और परिजनों के लिए की जा सकती है 8 लोगों के लिए वो सरकार के द्वारा की गई। लेकिन आज जहां 11 बजे फिर इस मामले की सुनवाई होगी तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन को जिस तरह से जो निगरानी समिति है वो शासन को रिपोर्ट सौंप चुकी है इस पूरे मामले की, और जब निगरानी समिति के माध्यम से जब आज जो है सरकार के MP रमण जो 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की कमेटी है उसमें जब आज सुनवाई होगी तो जो SIT की निगरानी समिति की जो रिपोर्ट है उस पर स्टेटस रिपोर्ट में क्या अहम चीजें होंगी, क्योंकि आज पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पर जो है वो सुनवाई
सुनवाई होनी है, तो सरकार की तरफ से जो है क्या ऐसी चीजें हैं बिंदुवार वो रखी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह सरकार की लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही थी, लगातार कार्रवाई करने के साथ साथ उन तमाम साक्ष्यों उन तमाम आधारों पर लगातार जो है पुलिस की पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही थी। तो आज सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि माननीय न्यायाधीश के सामने जब एमपी रमण जी के सामने सब तमाम चीजों को रखा जाएगा, उसके बाद माननीय कोर्ट किस तरह से निर्णय लेता है, किस तरह से जो है उन जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर कितना जो है वो कितना अपने आपको कितना कोर्ट के सामने जब तमाम चीजें रखी जाएंगी तो कितना कोर्ट संज्ञान लेता है और कितना कोर्ट इस मामले पर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जघन्य घटना होने के बाद लगातार सरकार बिल्कुल ओम इस पूरे मामले में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी कोर्ट का इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में हुआ, जब भी सुनवाई हुई तो कोर्ट की तरफ से असंतोष दिखाया गया कि अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उससे कोर्ट संतोष नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत अहम रहने वाला है जो प्रशासन की तरफ से तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। क्या इस बारे में कोई जानकारी के किस प्रकार के कौन से तथ्य और सामने रखे जा सकते हैं कोर्ट के? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 26 लोगों के जो लिखित बयान दर्ज कराए गए हैं, माना जा रहा है कि कोर्ट के सामने वो तमाम ऐसी चीजें हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ साथ जो लगभग 12 ऐसे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम वीडियोज हैं जो कि पुलिस के द्वारा एक नंबर CUG जारी किया गया जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि जिन लोगों के पास जो भी वहां पर मौजूद थे उनके पास अगर कई वीडियो हो तो वो वीडियो जो है वो पुलिस को उपलब्ध कराया जाए जिससे आसानी इस पूरे मामले की जांच हो सके। क्योंकि इसके पहले जिस तरह से आशीष मिश्र की बात की जाए लगातार वो कह रहा था कि इस घटनाक्रम में हम नहीं थे, SIT ने पूरे मामले की पूछताछ की है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, घटना के समय किस तरह की घटना में क्या चीजें अहम रहने वाली क्या चीजें अहम रही हैं, किसानों को लेकर लगातार किसान क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रहे थे किसानों का साफ तौर से कहना था कि आशीष मिश्र इसमें शामिल थे, जो गाड़ी है थार गाड़ी और जो पीछे फॉर्चूनर गाड़ी थी ब्लैक कलर की वो किसानों को जानबूझ कर चढ़ाई गई है, ऐसे तमाम ऐसी चीजें आरोप हैं वो किसानों के द्वारा लगाए गए थे। इस पूरे मामले की जब छानबीन SIT के द्वारा की जा रही है तो ऐसे में अगर वो तमाम ऐसे साक्ष्य पुलिस के हाथ और लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा और सहज तरीके से सरकार के सामने जो है माननीय न्यायालय के सामने इन तमाम चीजों को रखा जाएगा। हो सकता है कि माननीय न्यायालय इन तमाम साक्ष्यों और आधार के आधार पर जो है वो उन तमाम चीजों को समझे और उसके बाद हो सकता है सरकार को और भी दिशा निर्देश दे। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है जब 11 बजे सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से उन तमाम कलम बयानों की बात कार्रवाई की बात और उसके साथ साथ जो और भी वीडियोस तमाम साक्ष्य हैं वो स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि माननीय MP रमण की जो 3 सदस्यीय जो न्यायाधीशों की कमेटी है वो इस जब मामले की सुनवाई करेगी तो इस संज्ञान लेने के बाद तो कितना जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर पूरे मामले में तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। शुक्रिया आपका ओम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।